सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन इस शबागार में और संस्थान की तरफ से मैं एनसीडीसी की टीम और जिला प्रशासन की हेल्थ टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे डिप्टी सीएमओ साहब डॉक्टर एस एस साहब हमारे बीच आ चुके हैं मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमारे बीच पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिशिर जी भी हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और डॉक्टर एस एस कनौजिया जी के बाद जो कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए अपना व्याख्यान देंगे हमारे बीच एन की एक टीम हमारे बीच उपस्थित है उसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर विक्ट्री मेल आ, और डॉक्टर नीलू ये लोग भी अपना व्याख्यान देंगे मैं आप लोग का भी सर स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर एस एस कनौजिया से कि आएँ और अपना व्याख्यान दे धन्यवाद सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारी रजिस्ट्रार मैम डॉक्टर सुनीता चंद्रा हिमांशु पांडे जी डिप्टी रजिस्ट्रार और प्रोफेसर जंपा सम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के सभी हमारे टीचर्स और हमारे एन के उपस्थित एपिडमोलॉजिस्ट और डॉक्टर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिशिर आज मैडम ने जो है जब हमारी पहली बार मैडम से यूनिवर्सिटी में हम आए पता चला कि कुछ बच्चे यहाँ बीमार चल रहे हैं तो मैडम के साथ हमारी एक करीब 15-20 मिनट की वार्ता हुई और इसके बाद मैं जा कर के वार्ड में जहाँ पे बच्चे एडमिट थे उनसे भी मैं मिला और बात किया तो ये महसूस हुआ कि जो है यहाँ पे जो हमारे कुछ बीमारियाँ हैं जिससे लोग ग्रसित हैं उसके बारे में सबको जानकारी होना बहुत आवश्यक है तो उसी क्रम में ये आज जो कम्युनिकेबल डिशीज संचारी रोग के कैसे नियंत्रण किया जाए और ये बीमारी कैसे फैलती है उस पर एक छोटा सा टॉपिक है जिसके लिए आज यहाँ पे हमें बुलाया गया है तो मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा कि कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी हैं और ये बीमारी कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ह्यूमन टू ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन और अदर लाइक वाटर लाइक फूड या डायरेक्ट कांटेक्ट इस तरह से ये बीमारी कैसे जो है एक दूसरे में फैलती है तो हम आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है ये कैसे फैलती है हमें लग रहा है कुछ लोगों को हमारी लैंग्वेज में हिंदी ना समझ में आ रही हो तो दूसरी कोई भाषा का जो है कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी इन्हीं दो सब आ, उसमें लैंग्वेज पे हम बात कर सकते हैं तीसरा कोई हमें आता नहीं है इसलिए इसके तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब ही है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जैसे होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से जा सकता है और डायरेक्ट जा सकता है तो इसको हम पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तो होता है वेक्टर वार्न डिसीज एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन किसी वेक्टर वेक्टर मतलब बाहक के थ्रो एक व्यक्ति पीड़ित है उसके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन वो चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो चाहे फंगल हो या किसी भी तरह की जो भी बीमारियां हैं जो किसी न किसी माध्यम से फैलती हैं तो जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं ये अधिकतर मास्किटो, मच्छर या फ्लाई के थ्रू जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं दूसरे तरह की बीमारी है वाटर बांध वाटर बांध वो बीमारी है जिसमें हम कोई भी प्रदूषित वाटर जहाँ पे प्रदूषण है जहाँ पे कोई कंटामिनेशन है वो किसी भी तरह का कंटामिनेशन हो सकता है चाहे उसमें पैरासाइट हो सकते हैं उसमें आपका बैक्टीरिया हो सकता है उसमें आपका वायरस हो सकता है तो जो हम वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है अगर उसमें कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है और उस पानी को हम पीते हैं तब वो हमारे अंदर वो बीमारी के रूप में किसी डिसीज़ के रूप में आता है तीसरी तरह की चीज़ है कि डायरेक्ट हमारे छींकने खांसने एयर आर जब हम छींकते हैं या खांसते हैं कफिंग और नीजिंग उसके थ्रू जो वायरस है या बैक्टीरिया है जो बाहर निकलते हैं वो उसके संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है उसके कांटेक्ट में जब आता है तब ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है इसी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी बीमारियां हैं कि जब फिजिकली हम टच करते हैं जैसे फंगल किसी को कोई भी फंगल बीमारी हो तो अगर शरीर का डायरेक्ट टच होता है तो या उसके कपड़े से जो है दूसरे के कपड़े में टच होता है तब ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है चौथा है इसमें ड्रॉपलेट जब हम छींकते या खांसते हैं तो उसमें जो हमारे मुंह या नाक से जो ड्रॉप निकलते हैं वो किसी सरफेस पे जैसे टेबल है सामने टेबल रखी हुई है कुर्सी रखा हुआ है मेज है या कोई भी चीज़ है या हमारा कपड़ा है या हम छींकते हैं तो हाथ लगा लेते हैं तो जो उसके ड्रॉपलेट होते हैं वो ड्रॉपलेट जो हमारे हाथ या इस सब चीज़ों पे आते हैं और फिर जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं या कोई व्यक्ति जब उसको टच करता है तो वो बीमारी जो है जैसे हमने आ, 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 कहीं पे जो है कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया या कफ कर दिया तो ड्रॉपलेट मान लिया यहाँ पे है वो किसी वजह से अगर उसको टच किया टच करने के बाद फिर वो अपने हाथ मुंह पे जो है अपना हाथ ले गया तो ये बीमारी जो है उसको फैलेगी तो इस तरह से ये कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो कि किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती हैं अभी हम लोगों ने पहले देखा 19-20 में जो सबसे महामारी के रूप में पूरे विश्व को प्रभावित किया कोविड जिसको हम लोग ड्रॉपलेट मानते थे एयरबर्म ड्रॉपलेट दोनों कि उसमें अगर कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है और 15 मिनट तक बगैर किसी प्रोटेक्शन के दूसरे के संपर्क में रहा उससे बात किया उसके पास खड़ा होकर बात कर रहा है बोल रहा है या जो कुछ भी कर रहा है तो उसको यह बीमारी होने की संभावना 99% परसेंट होती थी तो ये सब जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं अगर इस माध्यम को हम रोक दें जिस माध्यम से हमारे अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आज का जो सब्जेक्ट होगा हमारा यही है कि हम जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उसमें मुख्य रूप से अभी जो चल रहा है हम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे वेक्टर वन डिसीजेस जो मॉस्कीटो के थ्रो मच्छर के थ्रो जैसे डेंगी है चिकनगिनिया है मलेरिया है ये बीमारियाँ जो इस समय बरसात के सीज़न में मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और इस बीमारी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है हमें लग रहा है यहाँ भी जो बच्चे बीमार हुए थे उनकी जांच कराई गई तो उसमें ज़्यादातर एन एस वन डेंगू के केस पाए गए तो इसीलिए जो है हमारा जो मेन फोकस है यही रहेगा कि इस बीमारी से बचने के लिए इस बीमारी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो वेक्टर कंट्रोल हम वेक्टर को कैसे कंट्रोल करें अगर हम वेक्टर को कंट्रोल कर लें बाहक को कंट्रोल कर लें क्योंकि ये जो है अगर डेंगी की बात करें तो डेंगी एक वायरस है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से जब उसको जो है कोई भी मास्कीटो काटता है उसका ब्लड लेता है और फिर दूसरे व्यक्ति को करता है तो वायरस को ट्रांसफ़र करता है अब इसको अगर हम इस ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं तो हमें मच्छर को रोकना पड़ेगा वायरस के लिए एंटी वायरस कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं है अगर जो कुछ है वो है केवल प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम क्या प्रिवेंशन करें कि जो है ये वायरस एक दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश न करे इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस वेक्टर को जो माध्यम है जो वेक्टर है इस पर हम कंट्रोल पाएं तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मास्कीटो पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है तो इसमें सबसे पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि मास्कीटो पैदा ही ना हो मास्कीटो पैदा ही ना हो तो इसके लिए मास्कीटो को पैदा होने के लिए चाहिए उसको सोर्स जहां पे ये पैदा होता है मास्कीटो को पैदा होने के लिए जो है उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है अगर हम डेंगी की बात करें तो डेंगी का जो मास्कीटो एडीज मास्कीटो है इसके लिए किसी भी कंटेनर में अगर फाइव एम एल वाटर मिल जाए तो वहां पे इसका लार्वा पैदा होता है ईक पहले से अगर पड़ा है तो ईक से जो उसका अंडा है उससे लार्वा बनने में एक से लार्वा बनने के लिए उसको पानी बहुत जरूरी है अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो कभी भी लार्वा में परिवर्तित होगा ही नहीं मतलब उसकी लाइफ वहीं पे ठहर जाएगी रुक जाएगी तो हमें जो सोर्स है जहाँ पे ये पैदा होता है सबसे पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थितियों को पैदा ही ना होने दें कि मच्छर पैदा हो तो परिस्थितियाँ ये हैं कि ऐसे पार्ट्स को ऐसे बर्तन को ऐसे सामान को जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें जिसका नाम हम लोग कहते हैं कि सोर्स रिडक्शन मतलब सोर्स को ही हम खत्म कर दें अगर हम सोर्स को ख़त्म कर देते हैं तो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे और इसका सोर्स कहाँ कहाँ मिलता है जैसे जब हम देखते हैं कि हमारे घर में कूलर है कूलर हम चलाते हैं गर्मी के दिनों में ही चलाते हैं तो कूलर में पानी रहता है और हम पानी को बदल नहीं पाते हैं या बदलते भी हैं तो उसको अच्छे ढंग से साफ नहीं करते हैं तो उसका जो सरफेस है उसमें उसके अंडे चिपके रहते हैं और जब पानी हम भरते हैं तो वो अंडे फिर लार्वा का रूप धारण कर लेते हैं तो हमें कूलर अगर चला रहे हैं तो ये जरूरी है कि कूलर को हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे ढंग से स्क्रब करके स्क्रब जैसे कोई चीज एकदम घिस करके पूरा साफ कर लें और साफ करने के बाद उसको सुखा लें जिससे कि उसकी सतह पे अगर कहीं पे कोई अंडा चिपका हुआ है तो वो जो है हट जाए तो वो फिर जो है उसमें लार्वा पैदा नहीं होंगे इसी तरह से अगर हम छत पे देखते हैं घरों में या आप अगल बगल देखते होंगे नारियल का पानी जो आम चीज़ें हैं वही है मैं बता रहा हूँ नारियल का पानी पीते हैं नारियल के पानी पीने के बाद उसको कहीं अगल बगल फेंक देते हैं उसमें जगह होती है बरसात के सीजन में उसमें पानी होता है वो पानी प्रवेश करता है इसके बाद मच्छर उसमें अंदर की तरफ घुस करके अंडे देता है और फिर वहाँ पे मच्छर पैदा होता है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर इन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं तो इसका निस्तारण हमारा सही ढंग से होना चाहिए हम इधर उधर कहीं उसको न फेंकें हर जगह जो है आपके बेस्ट मैनेजमेंट वाले आते हैं जो एकत्रित करके ले जाते हैं तो हम ऐसी जगह रखें कि वो प्रतिदिन जो वहाँ से कूड़ा ले जाने वाला है इन सब सामान को ले जाने वाला है वो लेके चला जाए अक्सर हम लोग ये भूल कर बैठते हैं कि कहीं भी जो है नारियल का पानी पिया इसके बाद उसका जो आ, नारियल का वो है उसको बगल में अगल बगल कहीं भी फेंक देते हैं तो उससे भी ये बीमारी फैलती है इसी तरह से हम अग, अपने अगल बगल में जैसे मान लिया कि प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के दोने में प्लास्टिक का थाली में खाना खाए खाना खा करके कहीं अगल बगल लोग कूड़े में डाल देते हैं अब उसमें पानी का ये कंटेनर के रूप में वो काम करेगा और जब बरसात होगा तो उसमें पानी इकट्ठा होगा और जब पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर पैदा होगा तो हमें यह ध्यान देना है इसी तरह से जैसे फ्रिज है फ्रिज के पीछे वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा होगा जिसके पीछे का हिस्सा खुला रहता है उसमें पानी इकट्ठा होता है और उसको हम समझ रहे हैं कि बहुत कम लोग उसको साफ करते होंगे फ्रिज के पीछे का जो हिस्सा है किसी का ध्यान ही नहीं जाता है और वहाँ भी मच्छर पैदा होता है तो ये चीज़ें जो सोर्स है हमें जानकारी होना चाहिए कि ये मच्छर कहाँ पैदा होता है उस सोर्स को जो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसका पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको नष्ट कर दें अगर हम उसको नष्ट कर सक देते हैं तो मच्छर का प्रजनन ऑटोमेटिक कम हो जाता है इसके लिए हर व्यक्ति का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई सरकारी महकमा समझ लीजिए कि डॉक्टर में हम आए हैं हमारे साथ दो लोग आए हैं हमारी टीम है आशा काम कर रहे हैं हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जब से यहाँ डेंगू के मरीज मिल रहे हैं लेकिन केवल हम लोगों के प्रयास से ये काम नहीं होने वाला है ये सोर्स रिडक्शन का काम जब तक हर आदमी जो है इससे अवेयर नहीं होगा जागरूक नहीं होगा और जब तक इसको जानेगा नहीं कि हाँ इस सोर्स को हमें पैदा ही नहीं होने देना इस सोर्स को हमें ख़त्म करना है तब तक इन बीमारियों पे हम कंट्रोल नहीं पा सकते हैं तो ये तो बात हो गई सोर्स रिडक्शन की मतलब कि जो सोर्स है उस सोर्स को हमें ख़त्म कर देना है कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनको कि जहाँ पे पानी है लेकिन हम उसको हटा नहीं सकते हैं जैसे कोई टैंक है टैंक को डेली खाली नहीं कर सकते हैं तो ऐसे टैंक को में हम जो है एक आती है गम्बोजिया फिश अगर उसको डाल दें तो वो जो है मास्कीटो के लारवा को बड़े प्रेम से खाता है तो वो उसको खत्म कर देगा तो इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं मैं ऐसे ही सबको बता रहा हूँ बायोलॉजिकल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल पर्सनल प्रोटेक्शन मेजरमेंट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट तो अभी मैं जो बात कर रहा था वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात कर रहा था कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ सुथरा रखें तो बीमारियों से बच सकते हैं अभी यही आ, आ, कौन सी कॉलोनी है जहां हम लोग गए थे अनमोल नगर कॉलोनी वहां हम लोग जब जो है टहल रहे थे तो उनका जो है मतलब देख रहे थे लार्वा सर्च कर रहे थे तो एक जगह मकान है मकान के सामने थोड़ी सी जगह है उन्होंने सड़ा हुआ कद्दू था कुछ पार्ट उसका जो हार्ड पार्ट होता है किनारे का वैसे था उन्होंने वैसे बगल में फेंक रखा था उसमें पानी इकट्ठा था हम लोग सारा खोज डाले नहीं किसी की निगाह पड़ गई उसको उठाया जब उसको उठाया तो देख रहे हैं कि उसमें लार्वा डेंगी का लार्वा एडीज का लार्वा उसमें पड़ा हुआ है और उस घर के सभी लोग इन्फेक्टेड हैं उनके बगल वाले भी इन्फेक्टेड हैं तो हमें ये सोर्स रिडक्शन पे जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है इसके लिए तो हर आदमी को आगे आना पड़ेगा तभी हम इन बीमा इस बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं नहीं तो केवल सरकारी महकमा के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो कभी भी इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यह तो हो गया इन्वायरमेंट में कैसे हम साफ सुथरा रखें और कैसे जो है मच्छर के प्रजनन को रोकें तो उससे अगर मच्छर कम होंगे तो निश्चित तौर पे ये एक दूसरे में ट्रांसमिशन का माध्यम भी हमारा कम हो जाएगा अगर वो कम हो जाएगा फिर जो है ये बीमारी भी ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी अब दूसरी चीज़ आते हैं हम केमिकल में कंट्रोल पे केमिकल कंट्रोल वो है कि जैसे जहाँ पे पानी है उस सोर्स को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं जैसे नालियों में या कहीं ऐसे खाली प्लाट हैं सारे सामान पड़े हैं हम प्लाट को नहीं उकर पा रहे हैं या अगल बगल कोई ऐसा जगह है जहां पर पानी बराबर इकट्ठा रह रहा है और पानी को हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसी जगह पे हमें बीकली लारवी साइडल का छिड़काव करना चाहिए अगर सोर्स नहीं है तो लार्वा नहीं बनेगा लेकिन अगर सोर्स बना रहा कहीं पे, तो अंडे से लार्वा बन गया तो हम लार्वी साइडल का छिड़काव करते हैं लार्वी साइडल का छिड़काव करके हम जो है उसके लार्वा को ख़त्म करते हैं तो हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम किसी भी तरह से उस लार्वा को जब तक कि हमें पता है कि लार्वा पानी में ही मिलेगा मच्छर का नहीं पता कि कहाँ कहाँ घूमता रहेगा लेकिन लार्वा का हमें पता है कि लार्वा जब भी मिलेगा तो किसी ऐसे सोर्स में ही मिलेगा जहाँ पे पानी का कोई कंटेनर है तो ऐसी जगह पे हम केमिकल का भी छिड़काव जो लार्वी साइडल के रूप में हम लोग करते हैं उसको करके भी लार्वा को खत्म कर सकते हैं लार्वा जो है पानी में उसकी जो लाइफ होती है एक हफ्ते की होती है हम लोग जब भी बात करते हैं एक हम लोगों ने नारा दिया है अभी चल रहा है हर रविवार मच्छर पे वार ये स्कूलों में जा करके हम लोग बच्चों से कहते हैं कि रविवार को अगर आपकी छुट्टी है तो बेटा तुम अपने घर पे कम से कम हर रविवार को सफाई कर देते हो तब भी मच्छर को बहुत कम कर सकते हो क्योंकि लार्वा की लाइफ कितने की है एक हफ्ते की है अगर एक हफ्ते में हम उस सोर्स को ख़त्म कर देते हैं साफ सफाई कर देते हैं तो जो अंडे से लार्वा बना है हर हफ्ते वो लार्वा एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा लार्वल स्टेज पर ही वो समाप्त हो जाएगा तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि लार्वल साइडल को जो है जो छिड़के और इन्वायरमेंटल की साफ सफाई करके हम लार्वल स्टेज पे ही जो है मच्छर को एडल्ट में ना कन्वर्ट होने दें ये हमारा पहला प्रयास होना चाहिए तो लार्विस हम केमिकल का इस्तेमाल करके फिर केमिकल से हम एडल्ट को भी करते हैं फॉगिंग लेकिन फॉगिंग इतना इफेक्टिव नहीं है आपको बता दें फागिंग भले हम लोग इतना कराते हैं लेकिन इफेक्टिव इसलिए नहीं होता है कि जब फॉगिंग होती है तो अक्सर देखते होंगे कि हम घर के बाहर करते हैं लोगों से कहा भी जाता है कि जिस समय फॉगिंग हो रही है उस समय खिड़की दरवाजे को खोल दीजिए क्योंकि जब तक उसका जो हम धुआं उड़ा रहे हैं वो घर के अंदर नहीं आएगा तब तक उसका असर पड़ेगा नहीं और डेंगी का मच्छर अधिकतर जो है घर के अंदर ही रहता है आपके कभी भी देखेंगे तो जो आपकी कुर्सी के नीचे बैठा रहेगा मेज के नीचे बैठा रहेगा आपके बाथरूम के जो है दीवार पे चिपका रहेगा और जब बच्चे या सुबह शाम हम लोग जो है शाम को बैठ के चाय पी रहे होते हैं बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं उसी समय निकल करके सुबह और शाम वो काटता है तो हम एडल्ट को मारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम उसके सोर्स को खत्म कर दें और उसके लार्वा को लार्वल स्टेज पर ही खत्म कर दें वो एडल्ट बनने ही ना पाए तो ये दो चीजें हैं पहले हमारी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को कैसे करके हम रोक सकते हैं दूसरा केमिकल है तीसरा बायोलॉजिकल अब बायोलॉजिकल में जैसे हमने आप लोगों को बताया कि जो है गम्बोजिया फिश है जहाँ अगर उसको हम डाल देते हैं तो उसके जो है लार्वा को बड़े प्रेम से जो है गम्बोजिया फिश खाती है तो अगर ऐसी जगह जहाँ पानी का सोर्स है वहाँ पे अगर इस मछली को डाल दिया जाए तो उसको खा करके उसको वहीं पे समाप्त कर देता है इंसेक्टिसाइड रेजिडेंस इंसेक्टिसाइड ये सब हर जगह हम लोग नहीं छिड़काव कर सकते हैं कुछ जगह जैसे पानी इकट्ठा है तो पानी अधिकतर हम जो ये बात कर रहे हैं कि उस सोर्स को नहीं खत्म कर सकते हैं तो वो किसी ने किसी पर्पज़ से वो टैंक बनाया गया होगा उसका उपयोग जैसे जानवर कर रहे हैं ये सब चीज़ें अगर कर रहा है तो हम अगर उसको जो है उसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके उपयोग के लिए नहीं रह जाएगा वो पानी तो इसलिए ऐसी जगह पे हमें जो है गंबोजिया फिश जो आती है उसको जो है मंगा करके अगर हम डाल देते हैं तो उस वहां भी जो है इस पर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अब जो है आते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन पे पर्सनल प्रोटेक्शन में हमें पता है कि अगर हमें मच्छर से बचना है अब हमने जो है एडल्ट मच्छर की बात कर रहे हैं जो मच्छर हमें काटता है उससे हमें अगर बचना है तो पहला काम ये होना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर ढका हुआ हो जितना शरीर का पार्ट ढका रहेगा उतना ही मच्छर हमें कम काटेंगे दूसरी चीज़ है कि हम मच्छरदानी का उपयोग करें सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें अगर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो तमाम जो है ओडोमास इस तरह की चीज़ें हैं जिसका वो लगा अगर उसके शरीर में लगा देते हैं तो जो है वो मच्छर नहीं काटते हैं और सबसे बड़ी एक बात बता दें कि अगर जिसको हम लोग बहुत कम जो है लोगों को बताते हैं या लोग इस्तेमाल करते हैं पहले आपने देखा होगा कि जब बच्चे बाहर निकलते थे सरसों का तेल घर के जो बूढ़े थे जो नहीं पढ़े लिखे थे जिनको इतना नहीं पता था वो भी सरसों का तेल जो है हाथ पैर के खुले हुए पार्ट पे जरूर लगा देते थे कि मच्छर नहीं काटेगा ये मैं अपने छोटे से जब मैं छोटा था तब की बात बता रहा हूँ तब शायद लोगों को नहीं पता रहा होगा कि ये कैसे करता है तो जब हम सरसों का तेल एक तो उसकी गंध दूसरी उसके चिकनाहट जब मच्छर डंक मारना चाहता है जब उसको जो है तो उसमें इतनी फिसलन होती है कि वो काटता नहीं है तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि केमिकल किसी न किसी रूप में नुकसान भी करता है हम इस्तेमाल तो इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज़ देखिए दो चीज़ें हैं लाइक हम लोग दवा भी खाते हैं तो पता है कि दवा भी नुकसान करती है लेकिन दोनों का कंपेरिज़न करते हैं कि दवा ना खाने से हमारे शरीर को कितना नुकसान होगा और दवा खाने से कितना नुकसान होगा अगर दवा नहीं खाते हैं तो उस बीमारी को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसलिए ज़रूरी है कि दवा हम खाते हैं भले वो थोड़ा सा उस केमिकल का हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़े इसी तरह से केमिकल जो है लगाते हैं जो भी जैसे ओड़ो लगाते हैं कुछ लोगों में तो एलर्जी भी करता है जो हम क्वायल जलाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हैं लेकिन अब डेंगी से अगर बचना है तो अगर हमारे पास कोई साधन नहीं है तो उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा शरीर पहले अगर हमारे यहाँ मच्छर ही ना हो हमारी सारी जालियाँ जो है नेट लगी हुई हों जो खिड़की होते हैं मॉस्किटो नेट जो होती है वो लगी होनी चाहिए लेकिन लास्ट में हमें जो है ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर मच्छर जो है घर के अंदर है ही हैं तो उसको बचने के लिए चाहे क्वाइल की आवश्यकता हो कोई भी लिक्विड तमाम तरह के आते हैं उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए तो ये हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो मच्छर जो है हमें कम काटेगा और ये बीमारी नहीं फैलेगी तो ये तो है वेक्टर को किस तरह से हमने अभी जितनी चीज़ें बताई बीमारी पे कंट्रोल नहीं बताया हमने क्या बताया कि वेक्टर जो माध्यम है जिस माध्यम से एक व्यक्ति से ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही है हम उसी कड़ी को तोड़ दे रहे हैं अगर वहां हमने खत्म कर दिया तो निश्चित तौर पे ये बीमारी अगर किसी में होगी भी तो उसी तक सीमित रह जाएगी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी तो अभी अगर हम ये जो है वेक्टर कंट्रोल की बात कर रहे हैं आगे जो इलाज की बात है जब इन्फेक्टेड हो गए तब तो कैसे क्या करना है वो तो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए कि डॉक्टर को कैसे अभी जो है बहुत सारा लोगों को जो है प्लेटलेट की बात कही जा रही है कि जो प्लेटलेट जो है उसका तीस चालीस हज़ार आया सब घबरा जा रहे हैं हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम में भी ये कर दिया जा रहा है कि नहीं अब तो चालीस हो गया है अब आपको प्लेटलेट चढ़ाना है तो आप इलाज के बारे में भी मैं बता दू देंगी के कि अगर दस हज़ार तक आपका प्लेटलेट है तो आपको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बसरते कि आपके शरीर में कहीं से हेमरेज का इंडिकेशन नहीं होना चाहिए अब उसको कैसे देखेंगे जैसे जो टर्निक जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं उसके कफ को जब बांधते हैं तो उसको बांधने के बाद रेड 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 स्पॉट होते हैं अगर वो जो है बीस से ज्यादा हमें मिलते हैं तब हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं इनसे हेमरेजिक टेंडेंसी हो सकती है इंटरनल कहीं हो सकती है शरीर के अंदर हो नाक हो या किसी भी तरह से अगर ब्लड कहीं दिखाई देता है तब हमें सोचना चाहिए कि नहीं अब हमें जो है इसमें प्लेटलेट की आवश्यकता है अन्यथा जो है दस हजार पर भी प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं होती है एक डॉक्टर और हमारे डॉक्टर ही हम अपने पेशे को ही बता रहे हैं इसमें अगर कोई जानता होगा डॉक्टर कुछ आपके यहाँ चिकित्सक या इस तरह के लोग होंगे हम ये तो देखते हैं प्लेटलेट तो देखते हैं और सारे डॉक्टर को इस चीज़ को भी बताया गया प्लेटलेट तो देखते हैं लेकिन ई मेच्योर प्लेटलेट नहीं कोई देखता है अगर आज हमने जांच कराया और उसका प्लेटलेट दस हज़ार है लेकिन उसमें जो ई मेच्योर प्लेटलेट हैं उसकी संख्या हमारी नॉर्मल है या ज़्यादा है तो ये मान के चलिए कि आज की डेट में तो कम है लेकिन जो ई मेच्योर है कल वो मेच्योर हो जाएगा तो कल वो जो है प्लेटलेट बन जाएगा हम एक जो है प्लेटलेट जब चढ़ाते हैं साढ़े पाँच सौ जो है प्लेटलेट साढ़े पांच हजार प्लेटलेट हमारे शरीर में किसी व्यक्ति को जो एक यूनिट ब्लड चढ़ता है तो साढ़े पांच हजार आता है पांच से सात दिन जो है एक प्लेटलेट की लाइफ होती है उसमें कितने प्लेटलेट हम ले रहे हैं वो कितने घंटे जीवित रहेंगे और कितने प्लेटलेट हमारे काम में आएंगे ये जो है उसकी लाइफ साइकिल पे ही डिपेंड करता है कि पाँच हज़ार ले रहे हैं तो देखते होंगे कि आ, उसमें पाँच हज़ार नहीं बढ़ता है जब हम दूसरे दिन कराते हैं या स्थिर होता है या हजार दो हज़ार बढ़ा हुआ मिलता है तो ये सारी चीज़ें हैं तो इससे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए कोई भी डॉक्टर अगर इस तरह की सलाह दे रहा है तो एक बार आप समझ लीजिए इस चीज़ को भी जानकारी होनी चाहिए कि प्लेट लेट के लिए अभी जो है हम लोगों के यहाँ प्लेट लेने के लिए जो है इतना लोग शाम को पता चला कि तीस हज़ार है तो प्लेटलेट का चार यूनिट डॉक्टर से लिखवा के एक्स्ट्रा में रख ले रहे हैं कि रात में कहीं फिर जो है या कल कम हो जाएगा तब क्या करेंगे कल का एडवांस में लेके रख ले रहे हैं हाँ तो इस सब चीज़ों के लिए कभी भी जो है सो इतना रखिए कि जब तक हम लास्ट उसमें न आए तब तक हमें जो है उसको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए अगर वो बचा रहेगा तो जो सबसे ज़्यादा नीडी है जिसको आवश्यकता है अभी आवश्यकता है तो उसके काम में आएगा वो और हम ले करके एक्स्ट्रा उसको रख रहे हैं तो हम किसी न किसी तरह से किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हैं जो कि जीवन और मृत्यु के बीच में खेल रहा है तो ये डेंगी के लिए जो है हमें इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो डेंगी निश्चित तौर से जो है कंट्रोल हो पाएगा और डेंगी अगर जिसको है उसको भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है वेक्टर बेक्टरबान में अभी हमने जितनी चीज़ बताई है मॉस्कीटो कंट्रोल पे बताया अगर मॉस्कीटो कंट्रोल होता है तो आपका मलेरिया भी कंट्रोल होता है आपका चिकनगुनिया भी कंट्रोल होता है दरअसल यहाँ पे बनारस की अगर बात देखी जाए तो बनारस में मलेरिया के केस बहुत कम हैं मलेरिया अभी एक जनवरी से ले हमारे पास केवल ट्वेंटी केस पॉजिटिव आए हैं क्योंकि मलेरिया पर यहाँ बहुत काम किया गया है पहले से ही इसलिए मलेरिया जो है बहुत कम है लेकिन ये सीज़न हमारा पिछले साल की अपेक्षा इस साल डेंगी भी बहुत कम है पिछले साल अब तक डेंगी के मरीज हमारे लगभग जो है 200 के ऊपर थे लेकिन इस साल अभी हम 111 केस हमारे यहाँ जो है कंफर्म केस निकले हैं जो कि एलाइजा टेस्ट होता है उससे निकले हैं तो हमारे कंट्रोल है तो और चिकनगुनिया के भी केस इक्का दुक्का मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं अभी तक पाँच छः केस जो है चिकन गुनिया के मिले हैं और ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ कैसे ये बीमारी फैलती है और कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं इसके बाद जो है दूसरी बीमारी जो इस सीजन में सबसे ज़्यादा होती है वाटर बान। अभी हमने कहा कि वाटर बान। आजकल जो प्रदूषित जल होता है उससे बीमारियां जो फैलती हैं जिसकी वजह से आपका टाइफाइड है कुछ तरह की पीलियाँ हैं जो पानी के थ्रू किसी तरह से जो है स्टूल का कंटामिनेशन होता है उसके थ्रू आपके पानी में कंटामिनेशन होता है और फिर जो है उस कंटामिनेटेड वाटर को जब हम पीते हैं तो ये बीमारी जो है डायरिया है कालरा है ये सब बीमारियाँ फैलती हैं अब इससे बचने के लिए जो हमें उपाय करने चाहिए कि हम चाहे कपड़ा धुलने के लिए या एक तरह से समझ लीजिए खाना बनाने में भी अगर थोड़ा सा पानी दूषित है तो चल जाएगा क्योंकि पानी बॉयल होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें खत्म हो जाते हैं लेकिन जो पीने का पानी है वो हमारा एकदम शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध पानी तभी होगा उसके सोर्स होते हैं जैसे सप्लाई का पानी है सप्लाई के पानी में हम लोगों ने देखा कुछ जगह जो है अभी धन्य सप्लाई के पानी में अगर कहीं से भी पानी में लीकेज है जैसे जो पानी का सप्लाई आ रहा है शायद आपके यहाँ भी टंकी बनी होगी अगर कहीं से पाइप में लीकेज है तो जब पानी का फ्लो चलता है तब तो पानी सारा जो है चलता रहता है लेकिन आप देखे होंगे कि ज्यों ही जो है मोटर को बंद कर दीजिए पानी को बंद करिए तो वो निगेटिव प्रेशर उसमें जो है पैदा होता है तो अगर कहीं से पाइप टूटी हुई है उसमें लीकेज है तो वो पानी अंदर की तरफ शक करता है और जब वो शक करता है तो उसमें बाहर की जो भी चीज़ें हैं जो भी गंदगी है जो भी चीज़ है सब वो पानी में आ जाता है और फिर जब हम चालू करते हैं तो वो पानी सर्कुलेट होकर हम तक पीने के लिए पहुंचता है तो इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ है तो उससे हमें बचना चाहिए कि लीकेज ना हो अगर लीकेज है तो उसको सही करा लेना चाहिए और जो पानी पी रहे हैं जैसे हम लोग गांव में तो कहते हैं कि जो हैंड पंप है वो भी हैंड पंप हम लोग इंडिया मार्का की सलाह देते हैं क्योंकि वो हैंड पंप का पानी लगभग जो है सौ फीट के नीचे का होता है तो जो भी पानी हम पी रहे हैं अगर एक सौ सौ फिट से मिनिमम सौ फीट के नीचे का है तब तो शुद्ध है अगर उसके ऊपर की बोरिंग का कोई पानी पी रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से वो पानी आपका कंटामिनेटेड हो सकता है इसलिए कि पानी जैसे जब पानी ऊपर इकट्ठा होता है जल अंदर से जो है तो कई सतह से छनते हुए पानी नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ तक पहुँचने में ये माना जाता है साठ सत्तर मीटर तक जो है पानी हमारा जो रिस के जाता है वो कहीं ना कहीं से कंटामिनेटेड होता है अगल बगल में तालाब हैं पच्चीस तीस मीटर गहरे तालाब हैं इस तरह से गड्ढे हैं तो वो पानी कहीं ना कहीं से जो है जो उसमें जाएगा वो गंदा पानी हो सकता है लेकिन जब हम सौ फीट से नीचे जाते हैं तो इसमें संभावना बहुत कम हो जाती है तो वाटर बान डिशीज हम जो है शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करें जो पानी पी रहे हैं कम से कम पीने वाला पानी एक तो सोर्स हमारा सही होना चाहिए जहाँ से पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए दूसरी चीज़ हमने चलिए सोर्स जहाँ से पानी लिया वो तो शुद्ध है पानी जो हम अपने यहाँ रख रहे हैं स्टोर कर रहे हैं पीने के लिए किसी बर्तन में अगर वहाँ भी कंटामिनेट हो सकता है अगर पानी को हम खुला रख रहे हैं ढक नहीं रहे हैं तब भी उसमें किसी न किसी तरह से वो इन, आ, उसमें तमाम तरह की गंदगी या कीड़े मटोरे जो भी हैं उसके थ्रू हो सकता है पानी में अगर हम निकालते समय हाथ किसी तरह से पड़ गया बर्तन किसी तरह से गंदा पड़ गया तब भी वो पानी दूषित हो सकता है तो हमें दोनों जगह ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ से पानी ले रहे हैं सोर्स ऑफ वाटर वो हमारा शुद्ध होना चाहिए स्टोर ऑफ वाटर जब तक हमारे अंदर वो पानी न चला जाए तब तक उसकी शुद्धता बरकरार रहे ये हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम इस पर जो है ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे जो है जो जल जनित बीमारियाँ हैं वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं अभी एक साल में देखा गया पहले हमारे यहाँ दो बीमारी नहीं रिपोर्ट होती थी डेढ़ साल से दो बीमारी जो है रिपोर्ट हो रही है एक है लेप्टोस्पाइरोसिस दूसरा है स्क्रब टाइफस। अभी जो हम लोग डेंगू पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लेकिन इस पर नहीं दे रहे हैं लेकिन इसके भी केस बनारस में बहुत ज्यादा निकल रहे हैं अब हैं सभी जगह निकल यहाँ इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे जांच हो रही है जहाँ जांच नहीं हो रही वहाँ पता ही नहीं चल रहा जो लेप्टोस्पाइरोसिस है एक किसी भी जानवर के यूरिन के थ्रू हमारे शरीर में उसके जो है बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं कोई भी जानवर अगर इन्फेक्टेड है वो चाहे चूहा भी हो सकता है बकरी भी हो सकती है गाय भी हो सकती है भैंस कोई भी एनिमल हो अगर उसके अंदर लेप्टोस्पाइरोसिस का बैक्टीरिया है और जो उसका यूरिन है किसी तरह से वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो लाइप्टोस्पाइरोसिस होने की संभावना ज़्यादा है तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए अभी जैसे हमने कहा कि एक तो जो पानी है उसी पानी में कहीं ना कहीं कंटामिनेट होकर हमारे पास आएगा या तो हमारा हाथ जब हम ऐसी चीज़ को टच करते हैं और सही ढंग से हाथ को साफ नहीं करते हैं और कुछ सामान खा लेते हैं तब भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है तो ये बीमारी भी फैल रही है तो इस पर भी हमें जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लेप्टोस्पायरोसिस से बचने के लिए ये हमें जानना जरूरी है कि ये बीमारी फैलती कैसे है तो जानवर का यूरिन कहीं भी अगर जो है कंटामिनेटेड है किसी भी चीज़ से कंटामिनेटेड है एक जगह केस निकला था एक घर में पांच लोग लेप्टोस्पायरोसिस से पिछले साल बीमार पड़े थे हम लोगों ने खोज डाला कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था तो लास्ट में वहाँ के एमओ और सब जाकर रिपोर्ट लगाए कहे कि यहाँ तो कुछ नहीं है गाय भैंस सब बहुत दूर बांधे हो फिर हम एक दो लोगों के साथ गए तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे एक उसने खरगोश पाल रखा था तो जो उसके खरगोश का जो यूरिन था उसके थ्रू जो है घर के सभी मेंबर जो है भाई वो खरगोश दौड़ करके शरीर पे भी बैठ रहा है बिस्तर पर भी बैठ रहा है और वहाँ से कंटामिनेट कर रहा है उसके यूरिन से जो है पूरा परिवार जो है वो हुआ है और लाइटो स्पाइरोसिस सबको हुई पूरे परिवार में जितने लोग थे सबका बी एच ओ में इलाज हुआ और ठीक हो गए अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाए तो लाइटो इस्पाइरोसिस बड़े आसानी से पाँच छः दिन की दवा में ठीक हो जाता है लेकिन अगर शुरुआत में अगर इसको हम डायग्नोस नहीं कर पाए तो ये बहुत जानलेवा होता है ये लीवर को सीधे डैमेज करता है इसका असर सीधे लीवर पे होता है तो इस बीमारी से भी बचने के लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए यह भी किसी न किसी तरह से यूरिन चाहे खाने में या हमारे गंदे हाथ से या पानी के थ्रू जो है हमारे शरीर में आता है एक बीमारी और जो है चल रही है इस समय स्क्रब टाइफस स्क्रब टाइफस भी ऐसे आपको लगेगा कि जैसे फीवर होता है उसी तरह से उसमें भी फीवर होता है मसल्स पेन होते हैं हेडेक होता है बॉडी एक होता है और लास्ट में ये इसकी वजह से जो है जो हम लोग कहते हैं कि इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार भी इससे होता है और दिमागी बुखार जब होता है तो उससे बहुत दिक्कत होती है डेथ भी बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है अगर शुरू शुरुआत में ही इसको डायग्नोस न कर दिया जाए और शुरू में डायग्नोस अगर हो जाए तो पाँच दिन के अंदर एकदम नॉर्मल दवा से मैं आपको बता दूं कि यहाँ बी के पीछे छत है बी के बाउंड्री के एकदम जस्ट पीछे हम लोग गए थे वहाँ पे, तो इस बीमारी के कम से कम 25 लोग जो है फीवर से ग्रसित मिले थे वहाँ पाँच लोग का कन्फर्म डायग्नोसिस हो चुकी थी तो जब हम लोगों ने पाँच दिन का मात्र डाक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामॉल और बी कॉम्प्लेक्स चलाया और पाँच से सात दिन में वो सारे के सारे लोग जो है हमारे साथ जो है डॉक्टर शिशिर भी थे हम थे और एक दो लोग थे गए थे वहाँ पे हम लोगों ने चलाया और वो जो है पूरी तरह से सभी लोग स्वस्थ हो गए तो अगर हमें जानकारी है अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो जाती है तो इस बीमारी से हम जो है स्वस्थ हो सकते हैं और ये फैलता कैसे है स्क्रबाइफ जो टिक्स और माइट्स होते हैं उसके जो लार्वा होते हैं वो उनके जो शरीर होता है उनके बालों में जैसे आदमी के शरीर पे भी पाए जाते हैं और चूहे और छछूदर में भी तो जब कोई चूहा और छछूदर इन्फेक्टेड होता है और वो माइट्स भाई चूहा छछूदर तो बिस्तर से लेकर सब जगह दौड़ते रहते हैं घर के हर जगह वो करते रहते हैं तो उससे जब हमारे शरीर में एक इन्फेक्टेड चूहा या छछूदर से वो माइट्स जब हमें काटते हैं तब ये बीमारी वो बैक्टीरिया उनके शरीर से हमारे शरीर में प्रवेश करती है अभी इसके लिए भी हम लोगों ने नगर निगम से बात किया हम लोग जब भी आता है तो इसमें कृषि अधिकारी जिसका ये मेन काम है रोडेंट पे कंट्रोल जितने भी रोडेंट है उसका कंट्रोल करने का काम जो है कृषि डिपार्टमेंट का है तो हम लोगों ने हम लोग हर केस के अगेंस्ट जो है लेटर लिखते हैं कि यहाँ पे एक केस इस तरह का मिला हुआ है यहाँ पे आप रोडेंट कंट्रोल की कार्रवाई करिए जितने भी केस जब भी आते हैं तो हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लोगों को ये बीमारी को रोकने के लिए अगर हम रोडेंट को नहीं रोक पाए तो ये बीमारी फैलती है तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि ये चूहे छछोदर से एक कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है अगर इसकी हमारी जानकारी है इससे बच सकते हैं तो हम इस बीमारी से भी बच सकते हैं और इस बीमारी का इतना बड़ा प्रभाव है कि इससे जो मस्तिष्क ज्वर होता है डेथ भी होने की संभावना ज्यादा होती है अगर शुरुआत में हम डायग्नोसिस ना कर पाए तो मेनेंजाइटी आप लोग समझते होंगे इन सप्लाई जिसको भी मस्तिष्क ज्वर होता है कभी कभी तो कुछ अंग पे जाके इफेक्ट डालता है विकलांगता भी आ सकती है और डेथ भी हो सकती है इससे मल्टी आर्गन फेल्योर भी होता है आपके किडनी भी फेल करती है तो हमें इस बीमारी के बारे में भी जानना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए भी काम करना चाहिए तो एक तो ये तो हो गया एनिमल से कैसे जो है ये बीमारी जो है ह्यूमन में फैलती है दूसरा हमने बात कर लिया कि वेक्टर जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं वाटर वर्न बीमारियां जो हैं पानी से कैसे ये बीमारी हमारे अंदर जो है फैलती है तीसरी चीज़ है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कहिए एयर बार्न इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन को हम अपने नीजिंग एवं कफिंग के द्वारा एटमॉस्फियर में छोड़ रहे हैं उसके जैसे अगर कोई डायरेक्ट पर्सन हमें कि कोई बीमारी है इस तरह की जैसे पहले कोविड था कॉमन कोल्ड है लोग कहते हैं ना कॉमन कोल्ड जब होता है कि भैया छीक छीक खांसी आ रहा है आप रही है आइसोलेट तो ये बीमारियां होती हैं तो हम लोग आइसोलेशन की बात करते हैं जो छींकने खांसने इससे बीमारी फैलती है इससे आइसोलेट होने की बात करते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा लगाव तो है लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए अरे मेरा बच्चा है इसको हो गया है हम संपर्क में रहते हैं बच्चा सोचता है अरे मम्मी है इनको हुआ है तो हम कैसे इनसे दूर हों लेकिन अगर बीमारी से दूर रहना है तो अगर किसी को ये बीमारी है तो हमें जो है उससे थोड़ा सा आइसोलेट रखना चाहिए जिससे कि वो बीमारी और जो है दूसरे को ना फैले ये केवल छींकने खांसने से डायरेक्ट भी फैलता है छींकने खांसने से जो ड्रॉपलेट हैं उसके जब हम छींकते खांसते हैं तो कुछ बूते जो है हमारी सरफेस पे जाती हैं हमारे कपड़े पे आते हैं हमारे हाथ में आते हैं हम लोग कहते हैं ना हाथ मत मिलाइए कोविड के समय में हैंड चेंकिंग एकदम रोक दिया गया था कि कोई हाथ नहीं नमस्ते करिए हाथ जोड़ के नमस्ते करिए चलिए हाथ नहीं मिलाएंगे हैंड चेंकिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये बीमारी जब हम छीकते खांसते हैं तो अधिकतर आदमी की आदत होती है हाथ लगा लेता है उस समय क्या फार्मूला आया था अब भी वही करना चाहिए कि छींकने खांसने पर लोग इस पर नहीं यहाँ हाथ लगाना चाहिए क्योंकि ये पार्ट जब हम दूसरे से मिलते हैं या किसी सरफेस पे बहुत कम टच होता है जब यहाँ जैसे हम वो कर रहे हैं तो ये पार्ट तो हमारा बार बार टच हो रहा है लेकिन ये हिस्सा हमारा कभी टच नहीं होता है इसलिए अगर ये पार्ट इन्फेक्टेड यहाँ पे कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आ गया तो हम जो है कहीं किसी सरफेस पे उसको नहीं दे पाएंगे और दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल पाएगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर हम लोग ध्यान दें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं इसी तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में कोविड हो गया टीबी टीबी का भी बीमारी जो है छींकने खांसने से ही फैलता है जब हम छींकते खांसते हैं या सांस लेते हैं तो जब दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ये भी जो है आपका बैक्टीरिया एक दूसरे व्यक्ति में जो है इसी तरह से तो उसको भी कहा जाता है कि कम से कम मिनिमम जो माना गया है कि अगर रजिस्टेंट नहीं है अगर रजिस्टेंट है तब तो उससे एकदम से जो है अलग रहना चाहिए उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए लेकिन अगर रजिस्ट्रेंट नहीं है तो अगर वो इक्कीस दिन तक लगातार दवा खा लिया है तो उसके अंदर उस बैक्टीरिया की संख्या इतनी कम हो जाती है वो इन्फेक्टेड तो रहेगा लेकिन दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेंट है उस पर दवा काम नहीं कर रही है तब तो वो इन्फेक्शन देगा ट्यूबरकुलोसिस के जो रजिस्ट्रेंट मरीज हैं वो वही वायरस वही बैक्टीरिया दूसरे को देते हैं जो न्यू केस होते हैं जैसे हम एक तो रजिस्ट्रेशन किसी दवा से रजिस्टेंट जो बनता है कि जैसे हम दवा खा रहे हैं हम उस दवा को बहुत बार खाते गए छोड़ते गए खाते गए छोड़ते गए तो वो दवा का इतना रजिस्टेंट होता है कि उस बैक्टीरिया पर काम नहीं करता है दूसरा ये होता है कि कुछ जो है इसमें जो रजिस्टेंट व्यक्ति है जिसके अंदर दवा नहीं काम कर रही है और वो डायरेक्ट दूसरे को दे रहा है जब वो पहली बार इन्फेक्ट हो रहा है तभी से उस पर दवा काम नहीं करेगी तो ऐसे लोगों को हम लोगों का प्रयास होता है कि बिल्कुल जो है उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो वो इन्फेक्टेड होते हैं उन पर भी कोई दवा काम नहीं करती है तो ये कम्युनिकेबल डिसीज का जो है डायरेक्ट कंटेक्ट एयर या ये कहिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से ये सब बीमारियां हैं इससे हमें बचना चाहिए फिजिकल कांटेक्ट से भी कुछ बीमारियां फैलती हैं उसमें जैसे फंगल इन्फेक्शन है अधिकतर फंगल इन्फेक्शन आपके कपड़े से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए बॉडी से बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तब फैलती हैं तो उससे बचने के लिए हमें जो है ध्यान देना चाहिए कि जो है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है जैसे हम लोग रसोई में भी जब जाते हैं ध्यान देते हैं तो सबसे पहले उसका देखते हैं कि कहीं इसके शरीर में जो है इस तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है तब उसको रसोइों को जैसे हम लोग तो बहुत जगह जो है ऐसी ड्यूटी लगती हैं कि जहाँ पे देखना पड़ता है कि जो रसोइयाँ है वो खाना अगर बना रहा है किसी भी आज सब के लिए तो नहीं होता है और होना सब के लिए चाहिए कि अगर वो जनरल पब्लिक को खाना खिला रहा है तो कहीं इस तरह के इन्फेक्शन तो नहीं है जो कि ये इन्फेक्शन सबको फैलाएगा तभी उसको परमिशन मिलना चाहिए तभी वो जो है ये काम करे चाहे खिलाने वाला काम हो चाहे खाना बनाने वाला व्यक्ति हो तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए तो निश्चित तौर पे हम एक कम्युनिकेबल डिसीज से छुटकारा पा सकते हैं इस पर कंट्रोल पा सकते हैं और अगर हमें जानकारी है तो सही समय पे अपना जा कर के इलाज भी करा सकते हैं तो अब हमारा जो है और कोई टॉपिक इसमें डाले हैं भाई तो कम्युनिकेबल का कम्युनिकेबल डिसीजेज़ का जो संचारी बीमारियों का पूरा टॉपिक था बड़े शार्ट में हमने जो है है तो बहुत इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर कई किताबें लिखी गई हैं ये इन्फेक्शन पर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन शार्ट में जो हम लोगों को जानना चाहिए जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि कौन बीमारी कैसे फैलती है और हम स्वयं से उस बीमारी से बचने के क्या उपाय कर सकते हैं जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए वो मतलब अगर वो नहीं भी पढ़ा लिखा है तब भी उसको पता होना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं उस पर हमने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जितना हम बता सकते थे जितना इसमें यहाँ डिस्कस कर सकते हैं हमने रखा है आप लोगों के सामने तो अब यहीं से हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं देखिए लैपटो इस यही तो शुरुआत में इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है नहीं समझ में आती हैं तो हम लोग एक काम करते हैं जब एक केस कहीं डायग्नोस हुआ तो सभी लोगों को ये मान के चलते हैं कि इस लक्षण वाले व्यक्ति फीवर उसमें भी होगा हेडेक उसमें भी होगा उसमें ये जो पैर का ये देख रहे हैं कॉल होता है यहां पे दर्द ज्यादा होता है और ये पीलिया क्योंकि लीवर को इफेक्ट करता है तो इसमें पीलिया भी होती है तो ये इसके लक्षण होते हैं लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे कि जितने जैसे मलेरिया है तो वो ठंड देके बुखार आता है तो लोग समझ जाते हैं डेंगू है डेंगू में इतना बॉडी एक होता है और आपके जो आई आर्बिट है इसके पीछे दर्द ज्यादा महसूस होता है और फीवर होता ही है फीवर तो बहुत सारी चीज़ों में होता है फीवर तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर आएगा ही इन्फेक्शन के बाद जो है शरीर के अंदर जो आपका एक्टिविटी होती है उसकी वजह से फीवर जो है टेम्परेचर राइज करेगा ही लेकिन कुछ कुछ लक्षण है जैसे मलेरिया में टाइमली बुखार आना ठंड दे के बुखार आना डेंगू में आर्बिट के पीछे आँख के पीछे दर्द होना और पूरे बॉडी में शरीर में आसहनी दर्द होना चिकनगुनिया है जोड़ों में दर्द होना चिकनगुनिया के मरीज में आपने देखा होगा कि एक बार होता है तो वो लंगड़ा के चलता है दो दो तीन तीन महीने तक उसका जो है चल नहीं पाता है सही ढंग से ये लक्षण होते हैं इसी तरह से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसी लोग वजह से अभी इतनी लाइकनेस थी इसमें कि जो है के, के केस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था कोई चिकित्सक इसकी जाँच ही नहीं कराता था अधिकतर लेकिन जब ये देखा गया कि हमने सारी जाँचें करा ली और इसके बावजूद भी जिसका जो है कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है और ये जो है ठीक नहीं हो रहा है तब हमारा ध्यान गया कि जो है नहीं ये भी तो बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस भी तो होती है जो लीवर को इफेक्ट कर रही है तो कहीं वही तो नहीं है भाई लीवर में तमाम वायरसेस हैं जिसकी वजह से आपका जो है पीलिया भी होता है ये सब चीज़ें होती हैं तो उसी तरह से ये भी बीमारी है लेकिन इसका एक विशेष जो लक्षण होता है वो काल में पेन होना बुखार होना सरदर्द होना ये इसका लक्षण है डॉक्टर साहब को नमस्कार नमस्ते जो डेंगू बीमार जो होता है जो एक जैसे कि मान लो एक आदमी जो डेंगू बीमार से पीड़ित हो चुका है हाँ और वो ठीक भी हो गया है हाँ हा। तो उसे आ, सालों में तो एक बार वापस बीमार होने की संभावना होता है लेकिन क्या महीना में वापस बीमार होने का कोई संभावना होगा देखिए अक्सर जो है हमारी इम्यूनिटी डेंगू तीन तरह तीन है डेंगू वन टू थ्री तो अक्सर होता क्या है कि जैसे अगर हम इस साल डेंगू वन से पीड़ित हैं तो अगले साल हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बन जाती है तो नेक्स्ट ईयर होने की संभावना बहुत कम होती है उस पर्टिकुलर एंटीजन से जैसे डेंगू वन टू थ्री है तो सेकेंड उस पर इफेक्ट डाल सकता है लेकिन फर्स्ट में अगर आय का अब उस पर भी डिपेंड करता है कि जो बॉडी इम्यूनिटी दो तरह से होती है एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है एक आईजीजी, आईजीएम हमारा एक्टिव फेज होता है और एक एंटीबॉडी होती ही आईजीजी अगर ये परशिष्ट कर रहा है कुछ लोगों में तो इम्यूनिटी जैसे अब एच के पेशेंट में है उसके अंदर जो है ये क्षमता बहुत कम होती है तो जब अगर एंटीबॉडी हमारे शरीर में वो कम समय में समाप्त हो जाएगी तब तो हो सकता है नहीं तो अक्सर जो है एक साल के अंदर नहीं होता है ये किसी इसी तरह स, मतलब सेम डेंगू से और एक प्रश्न है और हाँ तो डेंगू के समय में जो जो फीवर होता है वो काफ़ी हाई होता है तो फीवर की तो दवाई मिलता है लेकिन डेंगू का कोई खास नहीं आपको बता दें कि डेंगू फीवर में मैंने पहले ही इसको कह दिया था कि हमारा प्रिवेंशन और कंट्रोल ही सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो वायरस होता है इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम कोई मेडिसिन नहीं चलाते हैं जितना भी ट्रीटमेंट हम जो है डेंगू फीवर में देते हैं सिम्टोमेटिक देते हैं सिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि हम जो है आपकी जांच कराते हैं और ये देखते हैं इस डेंगी वायरस की वजह से कौन कौन चीज़ आपका लॉस हो रहा है हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और ये वायरस जो है संभवतः एक हफ्ते के अंदर अपने आप ही समाप्त होता है हम उसको ख़त्म करने के लिए कोई वो नहीं करते हैं कोई एंटीबॉडी नहीं आ, कोई भी एंटीवायरल नहीं चलाते हैं तो ये हमें जानना चाहिए कि हम जो है इसीलिए देखिए जो बीमारियां का जो है मेडिसिन कम है उस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम इस बीमारी पे प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें इसमें सबसे ज़्यादा होता क्या है आपको बता दें इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं कि डेंगू के फीवर में जो सबसे ज्यादा होता है कि जब हमारे अंदर प्लेटलेट की कमी होती है तो जो सर्कुलेशन में हमारा फ्लूड होता है वो एक्स्ट्रा बॉडी में जो है चला जाता है और शुरुआती स्टेज में जो है हमारे अंदर जो है पानी की कमी होती है और उसी में कभी कभी पेशेंट जो है शॉक में चला जाता है क्योंकि जब शरीर में सर्कुलेशन के लिए वाटर की कमी होगी तो निश्चित तौर पे जो है उसका बीपी पी करेगा तो शुरुआती स्टेज में तो ये होता है कि बीपी पी करेगी उसको पानी की इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खूब पानी पीजिए डेंगू के मरीज़ को ये दो चीज़ें हैं अगर आप घर पे रह के इलाज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए चाहे नारियल का पानी पीजिए चाहे सादा पानी पीजिए लेकिन पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी चाहिए चाहे ओ का पानी पीजिए अगर आप अस्पताल में भी भर्ती हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है वहाँ पे आपको पैरासीटामॉल दिया जाता है जो एंटीबायोटिक चलाई जाती है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए चलाई जाती है जब आपको वायरस कोई भी वायरल फीवर होता है तो उसमें चांस होता है कि उसके साथ कोई अनबैक्टीरियल बीमारी भी उसके साथ आ सकती है हम एंटीबायोटिक उसके लिए चलाते हैं न कि जो है डेंगू के लिए चलाते हैं तो जो डेंगू वायरस है इससे बचने के लिए जो हमारा सिम्टोमेटिक हमारे शरीर में क्या चीज़ की हानि हो रही क्षति हो रही है कौन चीज़ की कमी हो रही है उसी को हम पूरा करते हैं और इसको सात दिन तक हम मेंटेन करते हैं फीवर खत्म होता है फीवर खत्म होने के दो दिन बाद बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है कभी कभी लोग सोचते हैं अब तो हमारा फीवर खत्म हो गया हम एकदम स्वस्थ हो गए हैं अभी हमने जो शरीर में सर्कुलेशन में था हमारा फ्लूड वो बाहर निकला था हम सोच रहे उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बहुत सारा फ्लूड ले लिया उर्ली लेते हैं तो शरीर मेंटेन करती है जब आई बी फ्लूड के थ्रो लेते हैं तो आपके शरीर में उसका ओवरलोडिंग होता है जब आपका फीवर खत्म होता है और प्लेटलेट बढ़ना शुरू होता है तो उस समय फिर वो जो आपका बॉडी कैविटी में वाटर है वो फिर आपके सर्कुलेशन में आता है और जब वो सर्कुलेशन में आता है तो उससे आपकी ओवरलोडिंग होने लगती है वो हार्ट और आपके लंग पे जाके इफेक्ट डालता है इसलिए दो दिन बाद फीवर के दो दिन बाद अगर आपको उल्टी अगर आपके पेट में दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा फीवर ठीक हो गया है तो हम स्वस्थ हो गए तो जब डेंगू होता है तो खाना खाने में बड़ा दिक्कत होता है और खाना का मन बिल्कुल नहीं लगता है। आ, ये तो किसी भी फीवर में अधिकतर फीवर में यही होता है ये तो समझ ये अब ये तो देखिए ये नेचुरल वो है कि जब मैं... आप बीमार होंगे तो खाना खाने की इच्छा कम करती है तो प्रयास ये करिए कि फिर भी प्रयास करके कुछ खाते रहिए और हल्का भोजन लीजिए डाइजेस्टिव भोजन लीजिए और लिक्विड का प्रयोग ज़्यादा करिए ये फीवर में केवल जो है डेंगू में ही नहीं आपको सर्दी सामान्य कॉमन कोल्ड में भी दो तीन दिन तक आदमी जो है खाना नहीं अच्छा लगता नहीं खाता है तो जब इन्फेक्शन अंदर होता है तो ये चीज़ें होती हैं ये सामान्य उसकी प्रक्रिया है तो उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं फीवर कम होगा इसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो है भूख लगनी शुरू हो जाएगी और किसी का कोई क्वेश्चन तो सर तो उस समय मीट और ये अंडे वगैरह का सेवन नहीं कर सकता देखिए मैंने कहा कि अगर आप ये इन्फेक्शन है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसे भोजन को लीजिए आप जानते हैं कि जो मीट है इसका डाइजेशन बड़ी मुश्किल से होता है मतलब इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है आपको उसमें तेल मसाले के बगैर उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं और हम लोग इसमें जो है ये मना करते हैं कि तेल मसाले का कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए तो एवॉइड करना चाहिए अगर खा भी लेंगे तो कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं करेगा फिर आपके जो है डाइजेशन में कोई इफेक्ट करेगा और कोई जो है इस बीमारी पे जा करके बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा भोजन वही लीजिए जो कि आपको सुपाच्य हो जो खा रहे हैं वो सुपाच्य हो पच जाए और सही ढंग से आपके शरीर में जो उसके पोषक तत्व हैं वो आ जाए उस समय में अगर उसका डाइजेशन ही नहीं सही हो पाएगा तो फिर उसको लेने से कोई मतलब नहीं है गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून एक सवाल पूछना था क्या बोलने से वो टेंगो मच्छर बोल के अलग से आते ना और नॉर्मल मच्छर वो दोनों को पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो कैसे पहचानना पड़ेगा? देखिए कॉमन मच्छर और वो मच्छर कुछ नहीं होता है हमारे इधर जो है देखिए एक होता है डेंगू का मच्छर ठीक है जिसको हम एडीज मच्छर कहते हैं एडीज मच्छर जो कि जिससे डेंगू फैलता है इसको अगर देखेंगे अगर आए तो हैं हमारे एंटमोलॉजिस्ट कहे कह होते तो पकड़ के ले आए होते उस पर अभी इसमें है आपको हम दिखा रहे हैं उसकी देखेंगे तो अलग ही पहचान होती है उसके शरीर पे सफ़ेद धारी होती है एक तो देखिए ये है ये देख रहे हैं ना, डेंगू के मच्छर को देख रहे हैं और दूसरी चीज बता दें कि जो एडीज मच्छर है या जो भी आपका चाहे एनाफ्लीज मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है चाहे क्यूलेक्स है जो कि आपको जो है फाइलेरिया फैलाता है हर मच्छर में अलग अलग बीमारियां होती हैं जो मादा मच्छर है इसी के काटने से जो है बीमारी फैलती है मेल मास्कीटो जो है आपके रक्त को नहीं चूसता है जो फीमेल मास्कीटो है वो भी जो आपका रक्त चूसता है वो अपना पेट भरने के लिए नहीं चूसता है जो मादा मास्कीटो जो है ह्यूमन ब्लड को जो है शक करता है वो केवल अपना जो अंडे देता है एग उसी लिए चूसता है वो जितना ब्लड चूसेगा उतना ही ज्यादा एक जो है और स्वस्थ एक देगा तो मास्कीटो जो मेल मास्कीटो है ये अधिकतर जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं या कोई तमाम तरह के पौधे होते हैं उस पर जो ग्लूकोज लेता है केवल वहाँ से और उसका डंक भी इतना बड़ा नहीं होता है कि आपके अंदर वो मार सके जो मच्छर होता है जो ये शक करती है फीमेल मास्कीटो वो मेल नहीं कर सकता है तो ये मान के चलिए कि मेल मास्कीटो भन भनाएगा भले उड़ेगा भले आवाज भले करेगा देखने में लगेगा कि बहुत मा, 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 मच्छर उड़ रहे हैं लेकिन वो मच्छर ना तो काटेगा ना तो आपको बीमारी फैलाएगा अगर बीमारी फैलाने वाला कोई मच्छर है तो वो है फीमेल फीमेल बात समझ गए हमारी यही क्वेश्चन था और किसी का कोई क्वेश्चन तब हम अपने जो है यहीं पे बाड़ी हाँ नहीं नहीं दो फीट का ये जो है गलत है दो फीट नहीं ये मच्छर जो है पूरी ऊंचाई तक आप देखे होंगे कि आप खड़े हैं तब भी वो करता है तीन चार फीट तक आराम से उड़ लेता है दूसरी चीज़ एक होता है उड़ना और दूसरा चीज़ होता है जंप करके फिर आगे की तरफ चलना जैसे वो किसी सरफेस पे अगर बैठेगा एक बार में अगर चार फीट उड़ रहा है फिर बैठ गया तो फिर दोबारा उड़ेगा तो ऊपर ही जाएगा और इवेन कुछ चीज़ें जो आप कह रहे हैं एक फ्लाई होती है वो कालाजार की होती है वो सैंड फ्लाई वो ज़्यादा ऊंचाई तक चार फीट तक उड़ती है और जो ये मच्छर होते हैं मच्छर आप खड़े रहते हैं तो आपके कान के पास नहीं आते हैं भन बनाते हुए तो इसकी जो है हाइट ज़्यादा है और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके तीसरे चौथे मंजिल पर भी मच्छर काटते हैं तो इसको हाइट से आप कभी वो मत करिए ये अगर ऐसे नहीं जाएगा तो दीवार पे एक बार में जो है चार फीट उड़ेगा दूसरी बार में उड़ेगा आपकी जो सीढ़ियाँ हैं उससे उड़ के ऊपर जाएगा तो इसमें इस, इस फार्मूले को कभी मैं गया था आपके ही इसी क्षेत्र में तो कोई महाशय थे तो उन्होंने कहा अरे ये मच्छर तो दो ही फिट तक उड़ता है फिर कैसे काटेगा हाँ और आप कह रहे हैं छत पे अभी आप देखिए ना आप अपने घर पे जाके देखिए बाथरूम के दीवार पे देखिएगा आप पंखे पे देखिएगा आप पर्दे के पीछे देखिएगा यहाँ आपको मच्छर मिल जाएगा ये सब जगह जो है उसको छुपने के लिए होती हैं वो वहां छुपा रहेगा जब आप बैठेंगे आराम से बैठ रहे होंगे तब आकर के आपको काटेगा और इसको तो जो है डेंगी का जो मच्छर है इसको तो पहले कहा जाता है शेर की तरह दहाड़ते हुए बड़ा आवाज करते हुए आता था आता है लेकिन अब वो थोड़ा सा साइलेंट हो गया है आवाज़ कम करता है काटता जाता है जो। हाँ। इसमें जो डेंगी का मच्छर है आपका जैसे जो एनाफिलीज है वो तो रात में ज्यादा काटती है और जो आपका एडीज मच्छर है ये अधिकतर सुबह और शाम को ज्यादा काटता है इसकी शाम को जो है ज़्यादा जो है वो रहता है कि शाम को ये और सुबह के समय सूर्यास्त के आसपास एक आध घंटे बाद तक और जो है फिर सुबह वही जो है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता मतलब ज़्यादा वो एक्टिव होता है मान के चलिए उस पीरियड में ज़्यादा एक्टिव रहता है और अधिकतर वो जो है उसी पीरियड में काटता है और जो आपका एनाफिलीज है जिससे मलेरिया फैलता है ये अधिकतर रात में ज़्यादा जो है वो करता है भैया काट अगर उसने डाल दिया अंदर आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो है जो है डाल दिया तो अब तो वो उसको जो करना है वो करेगा वो अपना आपके शरीर में प्रवेश किया इसके बाद उसकी संख्या जैसे बढ़नी है वो बढ़ेगा उसको रोक पाना कि मच्छर काट लिया तुरंत हम कुछ कर लें और इस बीमारी को रोक लें तो वो नहीं कर पाएंगे हाँ एक चीज़ ये कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को उस समय अगर ध्यान में रखें देखिए बॉडी इम्यूनिटी बहुत मायने रखती है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए जो है आपके शरीर के अंदर जो उससे लड़ने की क्षमता है जब भी कोई एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है अगर आपके शरीर का दूसरा जो है सेलुलर इम्यूनिटी होती है ये सब इम्यूनिटी आपके अंदर उस इन्फेक्शन को रोकने का, का काम करती है आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम है तो बड़ी तेजी से जो है बढ़ेगा अगर कम है तो वो रोक के रखेगा और अगर जो है बॉडी इम्यूनिटी सही है तो कुछ लोगों को देखते होंगे कि, कि हल्का फुल्का फीवर आया तीन दिन में कंट्रोल हो गया कुछ लोगों को सात दिन आठ दिन भी लगता है ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी के ऊपर होता है कि उस वायरस को कितने जल्दी कंट्रोल करेगा क्योंकि उसको मारने के लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है वो बॉडी अंदर ही जितना कर पाएगी वो कर पाएगी तो ठीक है अब हम यहीं पर अपनी बाणी को विराम देते हैं और हमारे साथ एक दो लोग और हैं अपना जो है ये लोग भी इस पर चर्चा करेंगे धन्यवाद गुड आफ्टरनून ऑल इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेंगू एस्पेक्ट्स सर एज ग्रेटली हाईलाइटेड एंड आई होप यू ऑल गॉट सम आइडियाज एंड द बेसमेंट ऑफ दिस डेंगू एस्पेक्ट्स नाउ डिस्पाइट सर हाईलाइटेड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंगू डिजीजेज i want to give some unique features of this dengue mosquitoes behaviors as since i am an entomologist i want to give more information about mosquitoes not about the clinical presentation or disease wise so let's give my introduction my name is vetrivel baskar i am from pondicherry now i am posted here as a deputy assistant director ncdc varanasi sir said that difference between male and female mosquitoes male mosquito never bite in any genera any mosquitoes male mosquito never bites it bites only the plant juice it takes the plant juice for energy purpose and mating purpose so there is no other purpose to take a blood meal so for female mosquito it is the purposefully it takes the blood from the host due to its requirement of the protein for development of their eggs so let's go one by one slide the most deadliest animals in the world mosquitoes so mosquitoes are responsible for killing more human beings more lives so other animals also responsible for killing humans but mosquitoes are placed in the top position i am sorry to say this i don't uh, communicate in hindi i hope better i ho hope you will understand so sorry for this okay And mosquito diversity is very important. There are 3,500 mosquitoes, around 3,539 mosquitoes. So all the mosquitoes not takes blood meals. Species, I'm telling the species, 3,539 mosquito species are there. Only limited, only very few number of mosquito species and comes under some different genera. They are responsible and they act as a vectors even some even more mosquitoes takes blood meal from host like cattle humans or other animals they don't spread the uh, disease they need blood but they don't act as a vector or it doesn't carry the it doesn't transmit the diseases only notable species are responsible for disease transmission and you know that anopheles have you any idea about regarding anopheles mosquitoes what disease it transmits malaria so anopheles family there are four and 493 species are present in the worldwide but in india it's around uh, 79 species and 6 species are predominant species that only causing the malaria in the India. Like example in urban, in urban, Anopheles stephensi species act as a vector. In village, Anopheles culicifacies. In hilly area, Anopheles tillis. So there are many different vectors which is transmit the diseases. And you can ask one question. How to differentiate this mosquito from one species to other? That is the important question. Based on the resting position, how it resting on the wall or any other surface? Anopheles always resting as an angle position. You can see that the abdominal part, abdominal part which is elevated in the angle position, like forty to forty-five degree angle, but Aedes mosquitoes and Culex mosquitoes, which is resting in parallel position. There is no angle. So in that way you can identify. There are many factors, many characters, you can identify the species. One, is one in which angle is one character. Another one is based on the morphological characters. You can see the morphological characters here. Like in Anopheles mosquito, in wings there are black and white spots. You can see that. Mosquito parts divided into three parts, like head parts, thorax, and abdominal parts. So based on these different morphological character, characters present in the different parts, we can go for identification. That is not required for your level, just for information I'm telling. And eight is mosquito. Aedes mosquito, which is very easy to identify, the black spot, the white spots, and black scales present on the body. You can see that middle picture. That is Aedes mosquitoes. In Aedes mosquitoes in India, there are three vectors. Among three vectors, Aedes aegypti is a predominant species. That is urban vectors. So wherever you go for a breeding checking, you can find it. No, that is the based on the uh, angle position. It, if it is parallel, uh, it, if it is a parallel to the surface, it is culex or Anopheles, Sorry, culex or Aedes mosquitoes. If it is angled to the position, like how it's resting here, you know, if it is angled to the surface, if abdominal part is elevated, then it is Anopheles mosquitoes. and this is the dengue national scenario. The, these are the cases reported as per national center for vector-borne disease control. in two, last year, around 2.3 lakh cases were reported. out of 300 deaths were reported. and this uh, data up to july 3rd. so i think after this year, there will be a more number of cases would be mentioned in here. So, I brought here up to July. So, very death cases are reported very less, but this figure at this situation may increase very drastically as per situation going in India. Many cases are reporting. And I want to show, uh, give you other information also. So, these are the vectors transmitting the different diseases like Aedes mosquitoes, dengue, chicken gunia. Zika virus. These all diseases are reported in India. In addition, it can transmit the yellow fever diseases, which is not reported in India. And Culex mosquito. Culex mosquito can transmit lymphatic filariasis, ATIPAO. So, it can transmit this disease and Japanese encephalitis. So, these are the main um, diseases and these diseases are transmitted by different species culex tritanueringus culex quinquefasciatus what is dengue dengue is a viral disease we know that there is no treatment and it is transmitted by the infective bite of aedes aegypti and aedes albobictus mosquitoes i told you three species but these two species are very important and i brought the aedes mosquito samples i think they can pass among themselves so you can see that that is the edis mosquitoes in the test tubes. Please take care of that. It is a glass vase. don't break it. Even if it is break it. no problem. Don't harm yourself. and ma man develops when the infection would be picked up by the mosquitoes. Man develops disease after five to six days of infection. The symptoms the symptoms develops after infection of five to six days. That is called. Acute febrile viremia phase. The mosquito picks up the virus from this period only when you are showing the symptoms. And one more hidden demerits are there. People sometimes they are asymptomatic. People sometimes they are asymptomatic. They don't show the symptoms, but they are having the disease. They, show do they don't show the symptoms. But from that, person infected person disease can be transmitted and once female mosquitoes bite infected person then the mosquito develops the infection within the body then it is ready to transmit the diseases it takes some times duration so based on the duration in this duration the vector control intervention is very necessary point if we are missing out this time, definitely there will be a proliferation of infective cases. And signs and symptoms, and these are the symptoms of dengue cases, like abrupt onset of eye fever. Fever is, sir said very nicely, fever is what, our body system, when foreign bodies enters into our system, our body triggers our immune system to raise the temperature. So due to the temperature, environment, the pathogen won't be survived. That is the purpose of our body, any infection, can develop the body temperature. And severe frontal headache. And pain behind the eyes, sir told. All the, I think, no need to go for all this detailed information. Sir, already uh, detailed information has been given on this point. And nausea, somebody asked, they don't feel the appetite because of that. Nausea and vomiting, and dengue hemorrhagic fever, dengue fever, and dengue hemorrhagic fever. Dengue fever, dengue hemorrhagic fever is a advanced form of dengue fever. So when the bleeding happening inside the your system, that is a dengue hemorrhagic fever. And these are the additional symptoms with along with the dengue fever, and symptoms similar to dengue fever, severe continuous stomach pain, skin becomes pale and cold or clammy bleeding from nose and gums and difficult in breathing rapid weak pulse and treatment treatment part is very important despite we don't have any treatment for particularly for this disease they should also concern about this everybody need to take precautionary method and prevention method despite we don't have treatment for this disease and one more thing is when the patient takes drugs for this when they are taking parasitic for their parasitic and painkiller, they should concern about the whether the drug contains the aspirin or not. If your pain relief drugs contain aspirin, you should not take this because aspirin is an anticoagulant and antiplatelets. So that time it's again it's making the condition worsen. So don't take yourself any painkiller tablet. That is why you need to visit doctor and you have to get proper advice from your medical practitioners. And life cycle, life cycle which is starts from the eggs, eggs to larva, larva to pupa, pupa to adult. And the whole life cycle which is takes place seven to ten days. And you know mosquitoes always other mosquitoes vector mosquitoes or non vector mosquitoes they lay their eggs directly in the water surface but in aedes they don't directly lay their eggs in the water surface when these mosquito lay their eggs above the surface of the container when the container filled with water it don't directly lay their eggs in the water it just lay their eggs around the are above the surface level of the water so that mosquito eggs won't be hatched immediately it go for desiccation for long time it can go for desiccation mosquito can with, mosquito eggs can withstand for adverse temperatures and environmental condition so when musk, when the container again fill the water when the next rainy season will come that laid eggs might be sinked in the water level so that time mosquito will that uh, eggs might be hatched then larva will be produced there will be a picture i can show you very clearly and larva there are four sta four instars larvas in each mosquitoes in any mosquitoes there are four instar larva after this larva every larva molt into another stage molt into other instar so after fourth instar it will transform into pupa pupa is a non-feeding stage it don't takes any food eggs to pupa it all's in the aquatic ecosystem it's need water to develop their stages but adult it is a terrestrial ecosystem it don't need water it can survive in the open environment and the overall life cycle takes place 7 to 10 days we need to keep this information in our mind to effectively take the vector control measures once you know the life cycle of vector you can achieve your vector control intervention effectively and these are the sequence of events happening after the emergence of mosquitoes in aedes mosquitoes once it is developed, once it is, comes from uh, adult mosquito from the pupa, it go for plant juice. even male mosquitoes as well as female mosquitoes. because first, in first uh, presence, it's need energy for flying and mating. so both go for plant juice. after that mating, once mating has happened, male mosquito will be dead. The lifespan of male mosquitoes only 15 days, maximum 15 days, 10 to 15 days. But female mosquitoes they can live up to 15 to 30 days, double the, life, double the lifespan. Next, once mating is done, mosquito goes for host seeking. it, it needs blood for developing the eggs. After host seeking, blood feeding, you can ask how mosquito detects us from long distance. How it detects. The next slide will show you a clear picture. Next blood feeding. Blood feeding. Once host seeking is happened, it find the suitable host, then go for blood feeding. After blood feeding, it go for resting. You might have seen that mosquito fed with the black color in stomach. that black color, which means it's a uh, 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 blood meal con uh, consumed from the host. and sometimes you, may, you might have seen that the bulged stomach might be in white in color. that white in color, which means the uh, taken blood meal, which is fully digested. so once it is digested, it will go for egg laying. So the life cycle will continue. Host seeking: How mosquito detect us from long distance? The first cues is carbon dioxide. When our body emitting the carbon dioxide, from long distance mosquito can able to detect us. Mosquitoes having special sensory organs like antenna and palpi. Antenna and palps are sensory organs which receives the uh, cues released from host. Mosquitoes not only feeding on humans; it will feed on other organ, other animals also. One more thing is, I want to tell you: you never eradicate the mosquito. As an entomologist, I am telling you, you never eradicate the mosquito. We can control the mosquitoes and we can prevent the bite from the mosquitoes of course we can at some, at certain point of time we can reduce the more number of population but you cannot eradicate their presence their infestation is everywhere you can't go for all the area and corners and that is why it is very important and one more thing is it is right in france also mosquitoes are there very very less proportional where the tropical areas are present there you can find the mosquitoes because there are very less temperature countries means cold environment because of the cold environment mosquito can't be established their presence that is the reason Mo mosquito free countries also there mosquito free countries also there but it is very rare but in especially us they can the uh, mosquito can't see us but based on the temperature how infrared you might have seen infrared temperature when you are seeing body temperature based on your body temperature mosquito can able to detect you are human you are cattle so based on your height based on your body shape because when our body shape is there there will be a temperature picture isn't it if animal is there, animal shape temperature will come. So, mosquito already developed by more generation for more many years, millions of years, they have developed their concept. In that way, mosquito able to detect us. We are humans, they are animals, they knows that. That is why they are having the special sensory organs. And mosquito see us through that temperature screening. Next, smell, odor. And next one, heat, body temperature. So from long distance, it can come through these cues. And the distant, distance also mentioned. If it is more than 10 meters, it can direct through carbon dioxide. And if it is five to 10 meters, it is body, tem uh, sorry, harder, And if it is less than five meters, it is based on your body temperature. Within this range only, mosquito can Confirm you or detect you. You are human or animals. And one more study recently in science journal they have published it. Very interesting study. Those who are infected with the dengue, the virus, provoking their immune uh, uh, our body to release different odor that is not emitted by normal person. When the virus stimulating our body, it is special cues. That special cues attract the mosquitoes to get to attract the mosquitoes to pick up infected person blood. So very interesting study. It's a topper scientific journal, Science. Recently, it has been published. So that when the people infected, you are keeping so mosquito tend to attack there that is why you have to protect your environment very well and mosquito net if people are infected with the dengue they have to be kept under the bed net they have to sleep under the bed net so these are the evidence they have to be used frequently not only infected person i am recommending to recommending all you have to use the bed nets it not only protecting the mosquito, uh, dengue bites, other mosquito, other vectors also there, they can also transmit the other diseases, so it will be good protection among other mosquitoes. And other vector mosquitoes, that bi their bionomics. You, ha you may you may develop this uh, sometimes, you may have question that at what time mosquito will bite, at, at what uh, at what range, uh, what is the flight range of the mosquito? At what distance it can go? Recently, we have surveyed in the ESI hospital, Pandaypur. We have found the breeding in the sixth story building, top of the building. Now, your question might be addressed. Mosquito never restricted their flight range within the short distance, short height. It can go for sixth story building, wherever the breeding places will be available. And one more thing, now they are constructing the very high-story apartments. There we are getting the breedings. So it doesn't mean some myths are there. Maybe it miscommunicated. Other flies also are there. Sir said a sandfly, are uh, vector. It cannot able to fly for long height. It restricts hovering, um, jumping, hovering jumping behavior. It don't fly; just jumping to one fly, from one place to another place. But it is considered as mosquitoes only. It looks like mosquito, but it actually not mosquitoes. And Anopheles mosquitoes, it, it and the breeding places of Anopheles mosquitoes are very important. Sometimes, within same container, we we found that all these three vectors present. During our survey, we found that. Within the same container, when uh, people are offering water and uh, food source for these cattle, there are uh, big containers. They are offering foods and waters for cattle. In that container, we found that Anopheles, Aedes, and Culex, three mosquito species we found in one places. So, in this situation, we have to take very careful uh, interventions and breeding overhead and ground level water tanks cisterns rainwater collection brackish water rice fields wells unused wells ponds margin these are the breeding places for anopheles mosquitoes and the flight range 1 to 3 km it can fly to 1 to 3 km but in case if i want to go for purchasing anything for shop if i don't get any shop in between I will go till the end. In case if I will get the shop nearby, I will take the product, my target product from the nearby sources. In that way, mosquito takes the blood. No need to go for that. If you are suitable host present here, why I need to go for long distance? They are very intelligent, mosquitoes. And one more thing is, now these mosquitoes are adapted very well they can breed everywhere wherever the water sources contain sir said 5 ml it is enough to breed there and that is why one, uh, in our coming upcoming part we, i can elaborate it and next this anopheles mosquito resting outdoor as well as in indoor and the culex mosquitoes the culex mosquito transmit the filariasis and japanese encephalitis and breeding places polluted water and paddy fields ponds these are the different water habitats the, it, it, uh, these water habitats can be chosen by different vector i told you there are many vector species many mosquito species based on the mosquito species and their behavior the breeding places also may vary and biting time the mosquitoes are biting from evening to morning so means night behavior nocturnal behavior the biting time is 6 pm to morning 6 am in anopheles same 6 pm to early morning 4 am so these are the active uh, peak biting time next our aedes our aedes mosquito can transmit the dengue dengue chikungunya zika and yellow fever and breeding breeding we know it can breed everywhere and sir said uh, refrigerator nobody focus on refrigerator suppose after this lecture i hope everybody go for it that is the one place we used to get more breeding people don't allow you when the people go for surveys they don't allow you to go for not all the people many kind of people they don't allow us to go for survey inside the houses they always used to say our, our house is very uh, clean and neat. despite they are very clean, their environment, they, th they have to think about their neighbors. whether their neighbors kept the environment clean or free from the mosquitoes. sometimes we are okay. we can pass the information to our neighbors, few houses nearby. what about others? in that way individually everybody have to develop the response they have to do the practice i know that in dengue most of the people having awareness and knowledge and they are not doing the practice that is very important even educated or uneducated people they don't follow it till you don't get pain you don't need to focus on other things. When you get the pain, you look it on, look, up, look it upon. In that way, people are responding. Depend on the situation. So people have to think, go for frequent, clean their environment, and keep their environment free from the mosquitoes. That is for their protection. Suppose if other people doesn't concern about this situation, what you will do? You have to protect yourself, despite you are uh, taking clean and neat environment approaches. You have to protect yourself. And these are the Aedes breeding places. Most of the containers are um, man-made containers and peridomestic containers. And now, here I want to say this: you can see the dengue mosquito eggs. Aedes mosquito eggs. It just laid their eggs above the surface of the water. Now this, once the water is dried, the eggs remains there. When the next season will come, water will be filled up above the egg level, so that the egg can be hatched. This is what continues. People used to invert the. Objects or containers. What will happen? Or pour the water. Sometimes, if you found any larva in the container, you are trying to pour the water. If you are, if in case, if you are pour the water, what will happen for next season? Water will fill up with it. rainwater may collected. So again, it will generate the population in that way it is very difficult to control the mosquitoes here and these are the larvae of aedes mosquitoes there are i said there are four instars first instar second instar third and fourth so it will develop like this and one more important information aedes vectors there is one peculiar hidden fact that that is a vertical transmission this mosquito is a considered the a transovarial transmission when the mosquito is infected for dengue infection it can pass the virus to via eggs larva pupa and adult it can be carried for many generations. this is called this is known as a transovarial transmission. In case, if, if in this campus anybody infected for dengue, the mosquito might take in the blood meal from infected person. So the mosquito go for where resting, and mosquito blood would be digested. Then it will go for egg laying. Suppose it is laid their eggs in the water surface or any other containers. For next season, if the laid eggs contains with the virus infection, the, again it will develop as an egg to larva, larva to pupa, pupa to adult. Now the mosquitoes become infected without taking blood meal. Without taking blood, the mosquitoes being infected. Mosquito, this Aedes uh, mosquito doesn't require the infected person or non-infected person to transmit the disease within itself the virus is, which is present that is transovarial transmission this is highly concerned and sometimes we may thought that only infected person to un uninfected person the disease can be transmitted not like that transovarial transmission is dangerous aspects and this is the pupa non feeding stage and how mosquito respites in the water? They are having siphon tube. There is a tube-like structure, end of the abdominal part. So through that tube, there is a opening. It can absorb the atmospheric oxygen through it. That is called a siphon tube. It receives the atmospheric oxygen from the uh, atmosphere. And this is the adult mosquitoes. I have circulated you, you can see the uh, Aedes adult mosquitoes. This is the main vector Aedes aegypti. You can see the difference. There are different strikes pattern in the thorax spot. In that way, you can identify this next dengue vector control methods sir already elaborated i will go fast personal pro prophylactic measures that is very important for prevention and protection yourself from the mosquito bite use of mosquito repellents since these mosquitoes are day biter and mostly you can get the bite from outdoor environment rather than inside the houses. You can get more frequent bites in out, uh, outside only. But when you are using repellent, it can be a good option to use it. And you have to protect your exposed arms and legs, you have to wear full sleeves. And bed nets. Bed nets are a topper priority that we have to use. What, me? And, no, that, that is for fogging. They are doing foggy, no? So we have taken it recently. So that's why. Biological control. Sir said uh, larvivorous fishes. That larvivorous fishes can consume 100 to 300 larvae per day. You see the larvivorous fish. The name of the fish is Gambusia. It can't release all the aquatic habitats. All the containers we can't release. When the water fountain is there, in water fountains we can release. When the container uh, holds very small quantity of water, it is not feasible to release the fishes. And it is a good, efficient method to control the disease. and dengue vector control methods other thing health education environmental management this all sir has been discussed now challenges we are very closer to the end of the session the challenges urbanization and population growth and climate change insecticide resistance is very important we have been using the many insecticide from since long back mosquito might have developed the resistance despite you are using insecticide we do not know whether it's working or not that is why monitoring and evaluation is required and behavioral adaptation sometimes mosquitoes they develop the behavioral adaptation it can rest inside it can rest outdoor so, these kind of behavior, it very challenges to control the mosquito in the affected area. And that is why we, you should know the behaviors of the mosquito to take uh, effective vector control interventions. And lack of effective vaccines. We don't have any vaccine for this disease. And water storage practices. Here, water supply is good as per my knowledge but when you go for uh, terrains or hilly area there may be not frequent water supplies people used to store the water frequently so they are very vulnerable to the infection and bite and the integrating control measures we should not restrict with only particular methods we should uh, go for integrated aspects so that mosquito control measures can be effectively done And these are the breeding places nearby we have found here. And you can see that in first picture, people closed this empty plot, and they don't take care of it. There were so many bushes and so many plants grown in it. And we don't have uh, access to survey that areas. And these are the areas are uh, at spots. And when the flower pots are open. Kept in open, so that is also concern. They have to be kept it in inverted position, so that water can be hold. Otherwise, if you want to keep it in open condition, suppose it should be kept under the shed to prevent the uh, rainwater. And this is the object I told you. We found all three vector species within this habit habitat. And final one is prevention is better than cure. That we all we have to take care. That's it from my part. And thank you so much for this opportunity, and thank you for everyone. Thank you, Doctor Vikramal. Uh, and at last, I would request to our star madam to felicitate our both of the speaker by providing the khatak. To both of them. Victory, well, please. <laughs> I request Raishtar, madam, to felicitate the uh, more members who uh, had uh, joined us. चुनिटी ऑफ थैंकिंग एवरीबडी मैं uh, सबसे सर्वप्रथम तो कमिश्नर साहब बनारस के जब पिछली बार जब मैं कौशल राज साहब के साथ पास गई और मैंने ये बात बताई कि हम सब बहुत परेशान हैं डेंगू हमारे बच्चों को हो गया है Uh, मैं डेंगू uh, अपने बच्चों को जो हुआ है उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे चले गए हैं लेकिन मैं ज़रूर कुछ बात बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत टचिंग लगी है लेकिन उसके पहले मैं थैंक्स कह दूँ क्योंकि कमिश्नर साहब ने इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने कहा कि सी साहब जाएंगे आपके संस्थान और जो हो सकेगा हमारे शहर में जो भी सहूलियत दी गई हैं जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेशर्स हैं जो भी क्योर हैं जो भी मेडिसन्स हैं वो सारी चीज़ें एक्सटेंड की जाएंगी और डिप्टी सी साहब ने तुरंत हमारे पास आए हैं और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आ, हम डॉक्टर कन्होजिया जी का पर्सनली भी और संस्था की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं आपकी टीम डॉक्टर शिशिर जी और अनफॉर्चुनेटली डोंट टेक फीमेल सीरियसली ये बता दिया आपने कि हम फीमेल्स ही खून लेती हैं इसलिए डोंट इग्नोर दुमन बट पुअर हमारी डॉक्टर नीलू और डॉक्टर भास्कर वी आर वेरी थैंकफुल फॉर वेरी एजुकेटिव स्लाइट्स दैट यू प्रेजेंटेड शी इज़ नॉट विद अस बट आई विल डेफिनेटली थैंक हर ऑल्सो इन अलॉन्ग विद यू आई थैंक डॉक्टर शिशिर एंड जो कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम डे वन वी रिपोर्टेड फर्स्ट डेंगू केस ऑन ऑगस्ट एट आई रिमेंबर आई हैड गॉन टू सार्थक सर्जिकल टू सी अ गर्ल monk, छोटी बच्ची थी मुझे नाम नहीं मालूम है उनको प्रॉब्लम कुछ और थी लेकिन जब मुझे पता चला कि यहीं इसी हॉस्पिटल में दो और हमारे बच्चे जो डेंगू से infected हैं वो एडमिट हैं मैं उन्हें देखने गई इट was 8th ऑगस्ट दैट was द फर्स्ट केस देन ऑन 15th अगस्त द डिजास्टर केम लाइक दिस कि जो प्रोग्राम शेड्यूल था हमारा 15 अगस्त का वो भी हम नहीं कर पाए इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे उस समय बीमार थे तो उस समय हमें ये समझ में आया कि ये मामूली तरीके से फैल रही बीमारी नहीं है इसका बहुत बड़ा रूप ले चुका है कि बच्चे ऑल ऑफ ए सडन बताते थे कि हमें ये बुखार में आ गए हैं हम एक शाम पहले 14 अगस्त को जानते ही नहीं थे लेकिन 15 अगस्त को हमें पता चला सडनली कि बच्चे इतनी तादाद में बीमार हैं तो जो कनेक्टिंग लिंक था डे वन से एथ अगस्त के भी पहले से जो हमारे बीच आए थे वो थे चंद्रशेखर जी जो मैं इनकी पोजिशन तो नहीं मुझे मालूम लेकिन ऑल क्लाब्स फॉर हिम इट वॉज ही हु होल कैंपेन

कुछ एक अपना लेटर लिख के लाएंगे कि मैडम ये नहीं है ये नहीं है या ये इशू है ये हेल्प चाहिए बच्चे आ, इन दिनों पिछले दो तीन हफ्ते से जो बच्चा आ रहा है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है वो रोने लग रहा है और उसके आंसू से वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मुझे लगता है ये तो सिंपल सी बात है इसमें बच्चा रोया क्यों तो मुझे ये समझ में आया कि इस बीमारी के फैलने से और जिस तरह से एक एक करके कोई रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट है कोई सार्थक सर्जिकल में एडमिट है कोई हमारे डिस्पेंसरी में है कोई हमारे सोरेपा वार्ड में है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे के दर्द को देखकर इतने साइकोलॉजिकली कमज़ोर हो चुके हैं कि वो कोई भी बात अपनी बताते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी बात को अटेंड किया जाएगा कि नहीं मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ कि नहीं मैडम को और वो उसको और फोर्सफुल बनाने के लिए वो ब्रेक डाउन कर जाता है तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड एवरीबडी टू बी हियर आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द टीचर्स प्लीज़ गिव द मॉरल सपोर्ट आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इनके क्लासेज भी बहुत नुकसान हुए हैं क्लासेज uh, में भी इन लोगों ने बहुत अटेंडेंस uh, अपनी मिस की है और uh, सुचिता मैडम यहाँ पे हैं इसी बीच पे सांस्कृतिक महोत्सव सब हुआ बच्चे जिस दिन मैं देखने के लिए मैं बाहर थी जिस दिन मैं आई और मैं हॉस्पिटल देखने के लिए उनको गई तो वो सापा के दोनों बच्चियाँ जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी वो बेड पे थी तो उन्होंने अपने आप को रेसिस्ट किया उनकी बॉडी ने और वो परफॉर्मेंस करने के बाद वो बीमार पड़ी तो बच्चे सच में एक के बाद एक बहुत परेशानी में हैं कुछ दहशत में हैं ऐसा नहीं है कि सारे फीवर डेंगू फीवर हैं जैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को एजुकेट किया कि एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बी गिविंग दैम प्लेटलेट्स एंड मैनी अदर थिंग्स दैट यू टोल्ड एस बट यहाँ पर इतना ज़्यादा दहशत है कि जैसे ही ब्लड काउंट ट्वेंटी थाउजेंड रिपोर्ट हुआ वो अपने आप से बच्चे डिसीशन लेते हैं और प्लेटलेट चढ़ा दीजिए और इन्फॉर्मेशन आ जाता है हिमांशु जी हमारे टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं ये इस बात को बताएंगे कि कैसे अंधाधुन तरीके से प्लेटलेट्स चढ़ाने का एक क्रम चला और काफी सारे बच्चों को प्लेटलेट्स हम लोगों ने हम लोगों ने क्या बच्चों ने अपने आप से डिसीजन ले लिए सो हैड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम बीन डन आई थिंक टेन डेज और फिफ्टीन डेज बिफोर मेनी थिंग्स वुड हैव बीन क्लियर टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सो वी वुड लाइक दिस टीम हम सी एम साहब नहीं हैं हमारे बीच में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे लेकिन वो डिप्टी सी आ गए उनकी वजह से वो हेल्डअप हो गए लेकिन आ, उनकी कमी कहीं हमें खली नहीं क्योंकि डॉक्टर कनौजिया साहब ने बहुत अच्छे से हम लोगों को साथ दिया है सर हम लोग ये चाहेंगे कि इस संस्था में जब तक कि हमारे लास्ट पेशेंट ठीक ना हो जाए आप लोग टच में रहें और हम लोगों को अपना सहयोग देते रहें क्योंकि मुझे लगता है कि इम्यूनिटी जो आपने एक बात कही है और मैंने ये डे वन से फील किया है हमारे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम जरूर अब इस पर थोड़ा सा भी सोचेंगे दिमाग लगाएंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए शायद इनके डाइट में हम कुछ ग्रीन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं शायद इनके सुबह उठ के चार बजे इनको एक्सरसाइजेस जो नहीं करते हैं कमरे हॉस्टल से नहीं निकलते हैं मैं बी एच यू से आई हूँ इसीलिए आई हैव सीन हाउ इन बी एच यू एट फोर ओ क्लाक द डायरेक्टर आई आईज़ टू मेक एवरीबडी एवरी स्टूडेंट गेट अप फ्रॉम देयर बेड्स एंड ही यूज़ टू मेक देम गो अराउंड बी कैंपस तो चार बजे बच्चे उठें सूरज निकलने के पहले और कुछ अपनी इस तरह की वो कसरत करें कुछ खाना इम्प्रूव करें सो दैट कि इनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी और हम इम्प्रूव कर सकें uh, बहुत सारी बातें बोलने को थी लेकिन मैंने फोर्सफुली आकर के ये बातें बोली हैं इसलिए आई एम सॉरी लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी स्टिल सिटिंग ईयर जो भी बैठा है आज अभी हॉल में ये इंडिकेट टर है इस बात का कि आप सब इस डिज़ीज़ से हो रही हमारे यहाँ पे जो भी परेशानियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं और हेल्प करना चाहते हैं अपने बच्चों को और अपने आप को कि हम इसे ठीक करें और अब फिर से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू एंटायर टीम ऑफ सी साहब और डिप्टी सी साहब फॉर बींग विद अस थैंक यू